हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल। तो मैं आज आपका दोस्त गुरजीत सिंह आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ, नया व्लॉग लेके आया हूँ आपके लिए। जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप जा रहे हैं हम घूमने के लिए राजस्थान, तो ये आपको राजस्थान का ट्रिप देखने को मिलेगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर पूरा इंडिया घूमना है। तो दोस्तों अमृतसर प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके, तो ये हमारी 3 प्लेटफॉर्म नंबर पर ट्रेन लग चुकी है अमृतसर से अजमेर जाने के लिए। तो देख सकते हैं कि अजमेर के आगे हम उदयपुर निकलेंगे, फिर उदयपुर के बाद आपको चित्तौड़गढ़ घुमाएंगे। तो ये सारे का सारा राजस्थान आपको घूमने को मिलेगा। हम अपनी टी शीट कन्फर्म कर चुके हैं, तो बैठने वाले हैं अपनी गाड़ी के अंदर। चाय लेके आया हूँ मैं 2 कप अपने लिए, और चाय पीने वाले हैं। दोस्तों हम अभी हिसार के अंदर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई है और अमृतसर से अजमेर जाने के लिए। तो जैसे कि हम कुछ खाने के लिए लेके आए थे, तो आप देख सकते हो कि हम बैठने ही वाले हैं अभी अपनी सीट के अंदर। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान का ये रेगिस्तान का छोटा सा बाग। नजर नहीं आता झोलियां सब की भरी जाती गई, मगर मेरी वाला नजर वाह अजमेर पहुंच चुके हैं, और आपको अजमेर के अंदर पहाड़ देखने को भी मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको ये पहाड़ दिखेंगे अजमेर के अंदर। राजस्थान के अंदर भी पहाड़ हैं दोस्तों। अगर आपको घूमने के लिए जाना होगा ना किसी हिल स्टेशन पर, तो आप राजस्थान भी आ सकते हो। बिल्कुल आप मतलब ऐसा कहूँ कि बिल्कुल रिस्क फ्री है यहाँ आना आपके लिए, क्योंकि पहाड़ों का मज़ा तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अंदर आप ले सकते हो, उत्तराखंड के अंदर ले सकते हो। लेकिन अगर आपको राजस्थान भी आना होगा तो आपको पहाड़ मिल जाएंगे। अभी हमने दूसरी ट्रेन चेंज कर ली है, और देख सकते हैं कि उधर अमृतसर वाली ट्रेन लगी है, उसको छोड़ के हमने उदयपुर वाली ट्रेन पकड़ ली। अब हम निकल रहे हैं चित्तौड़गढ़ के लिए, रूट भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर। तो देख सकते हो यहाँ पे चोरा मिलता है, ये राजस्थान की फेवरेट। फाइनली दोस्तों हम चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हो कि अभी हम स्टेशन से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं, और हम जा रहे हैं अभी अपने दोस्तों के पास, जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से बोला था कि हमारे पास आते क्यों नहीं हो। तो फाइनली हमारा डिसीज़न बन ही गया आने का। तो थोड़ा फंक्शन होगा बियर शियर, और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। बाहर की ओर जा रहे हैं हम,
तो दोस्तों अभी हम बीयर बार के अंदर बैठे हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ा जहाँ पार्टी कर रहे हैं के साथ। तो हमारे साथ कमलेश जी हैं, तो कमलेश जी से पूछते हैं कि हमारी उनको कंपनी कैसी लगी। हम पंजाब से हैं, ये राजस्थान से हैं, तो कमलेश जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा सर। चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर स्टेट के अंदर हमारे जो जितने भी दोस्त हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है हमें, और यही नेटवर्किंग की एक अच्छी खासियत होती है घूमने फिरने की। तो बहुत बड़ा मतलब साथ मिलता है इन लोगों का और घूमने फिरने का। आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए। तो दोस्तों आपां हुण उदयपुर निकले हुए हैं और तुसी देख सकते हैं कि उदयपुर हाईवे ते आपां खड़े हैं। तो चाह पीन लिए एक स्टॉल के उपर रुके सीगे, और तुहानू एक चीज़ होर दिखाना इतों की फेमस राजस्थान की, जिथे अगर तुसी पानी पीना है तो तुहानू कोई गिलास नहीं मिलना है। इत्थे लोटा लैके लोग पानी पीते हैं, तो लोटे दे विच ही भर के तुसी पानी जिहड़ा पी सकते। तो दोस्तों तुसी देख सकते हैं कि जिदा आपां चाह लीती है तो चाह बिल्कुल दो तीन उंगलियां दे विच आ जाती है मेरे गिलास, तो तीन उंगलियां दे विच सिर्फ दो टाइम चाह पी सकते हैं। तो ये वाली गाड़ी से हम जा रहे हैं उदयपुर घूमने के लिए। आज का पूरा दिन घूमेंगे और उदयपुर सिटी को देखेंगे। इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं हम फतेह सागर झील का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया उदयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ बोटिंग करने को मिलेगा आपको। ये देखिए दोस्तों पूरा फुल नज़ारा है। वाओ, वो देखो क्रूज़ को कितनी स्पीड से भगा रहे हैं। दोस्तों अभी हम उदयपुर फतेह सागर लेक के पास पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हो कि फतेह सागर लेक का नज़ारा, और नहीं करेंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। आप भी जब भी राजस्थान आइए तो यहाँ ज़रूर होकर जाइए। और अभी मैं तो आपको और दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। ये देखिए मेरे साथ मेरे फ्रेंड आए हुए हैं, और ये देखिए अभी हम पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको झील का फुल नज़ारा, कैमल राइडिंग राजस्थान का, और ये मेरा छोटा भाई, कमाल हो गया यार। तो दोस्तों जिदा कि तुहानू पता है आप बोटिंग वाटर स्पोर्ट के पास खड़े हैं, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम अभी बोटिंग करने वाले हैं, और आपको दिखाते हैं इसका नज़ारा। ये देखिए ये वाला क्रूज हम पकड़ेंगे और जाएंगे हम अभी स्पीड पर। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और हमने टिकट ले ली है। आप देख सकते हैं कि अभी हम स्पीड वाले क्रूज के अंदर जाने वाले हैं। मेरे साथ मेरे भाई लोग भी हैं, और हम घूमने पूरा घूम रहे हैं। ये देखिए अभी हम ये स्पीड वाले क्रूज में बैठेंगे, तो ये सारे के सारे बोटिंग करने वाले हैं, तीन लोग हैं। तो आप देख सकते हो कि फुल एंजॉय कर रहे हैं हम, और जाने वाले हैं हम अभी ये क्रूज के ऊपर। तो दोस्तों हम अभी क्रूज पे बैठने जा रहे हैं, तो जैकेट हमने पहन ली है। अब जा रहे हैं हम बैठने, आप देख सकते हो आगे। यस, तो उन फ्रंट में हम बैठ चुके हैं और अब निकलने वाले हैं क्रूज। तो ये भाई ने स्पीड पूरी पकड़ ली है और हम क्रूज पे जा रहे हैं। भैया ये पकड़ो पकड़ो, मेरा वीडियो बनाओ।
ये फुल स्पीड पकड़ लिया, क्रूज पे हम हैं। वाओ फुल मजे। ये देखो फुल नजर एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। ये देखिए पूरा लेक का हम राउंड निकाल रहे हैं और देख सकते हो भाई। चलो पहुंच गए हम क्रूज पे, तो अब उतरने वाले हैं। बस इतने पैसों में इतना ही आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आपको दिखाते हैं। भैया वो इधर आओ, ये फोन पकड़ो। बहुत मजा किया हमने। आप भी जब भी आइए जरूर यहाँ घूम कर जाइए, फुल एंजॉय। छठ पूजा होती है, ये हिंदू लोग हैं ना जो छठ पूजा करते हैं। किस तरीके से अपनी मन्नत मांगने के लिए ये पूरा कर रहे हैं, अपना देख सकते हो किस तरीके से। ये देखिए माता जी पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं, यहाँ से पांव तक और आगे उनकी जो नोह है वो साफ कर रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ तक पूरा परमात्मा का। दोस्तों अगले दिन की सवेर हो चुकी है और हम निकल चुके हैं घूमने के लिए राजस्थान। अभी चित्तौड़गढ़ घूमने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। सामने मेरे किला है जहाँ हम जाने वाले हैं आज। तो आज फिलहाल हम अभी सिटी में निकल रहे हैं, तो हमारे पास बाइक है हमारी पल्सर। तो मेरे साथ मेरे साथ देने वाले मुकेश जी हैं और हम निकल रहे हैं रास्ते में। दोस्तों हम अभी निकल चुके हैं सांवरिया मंदिर देखने के लिए।
तो आपको जैसे मैंने बताया कि पल्सर बाइक ड्राइव कर रहा हूँ मैं, और अभी हम निकल पड़े हैं फिर रास्ते पे चित्तौड़गढ़ किले के किले को शाम को जाएंगे, और अभी हम सांवरिया मंदिर जा रहे हैं और वहाँ जाके वापस आएंगे हम फिर। तो आज का सारा दिन हमारा यहीं रहेगा और कल हम बताते हैं कल कहाँ जाने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सांवरिया मंदिर और अब एंट्री करने जा रहे हैं, सामने देख सकते हो आप। तो ये मंदिर उदयपुर के बीच में पड़ता है और आप देख सकते हो कि ये मंदिर में एंट्री हो चुकी है हमारी। बहुत ही अच्छा माहौल मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है हम राजस्थान के सांवरिया मंदिर में हैं, तो हमारे पीछे आप देख रहे हो, तो आप देख सकते हो कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे लोग हमारे साथ आ रहे हैं मंदिर जाने के लिए। दिखाते हैं आपको मंदिर का, दर्शन करवाते हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, आप देख सकते हो मंदिर का दृश्य, और यहाँ हम शूज उतारने वाले हैं अभी। मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं हम अभी, तो एंट्री कर ली है हमने, आप देख सकते हो। तो इस किसी को प्रसाद लेना होता है वो प्रसाद। तो पूरी सिक्योरिटी है मंदिर के अंदर जाने के लिए। अभी काम चल रहा है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखिए हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी करना यहाँ मना है, तो हम पूरा पालन करेंगे इस चीज़ का। मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम और देख सकते हो कि ये उस तरह है मंदिर। मंदिर में जाने के लिए आप भीड़ देख रहे हो और सब लाइन में लगे हैं, आप देख सकते हो। इतनी बड़ी भीड़ लगी, देख सकते हैं कि एंट्री हो चुकी है और सिक्योरिटी फुल है, और बस धीरे धीरे से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। बाकी आप लोगों को आगे जाके बताते हैं, ठीक है। और अभी मंदिर में एंट्री कर रहे हैं हम, तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि लड़कियां महिलाओं और बच्चों की एंट्री अलग अलग होती है, गेट से औरतों की एंट्री हो रही है और इस गेट से जेंट्स की, देख सकते हो। जय सांवरिया सरकार की, जय सांवरिया सरकार की, जय जय गोपाल की, जय सदा के लल्ला की, जय बाबा के कन्हैया की, जय और गुरुवंशी वाले की, जय और गुरुवंशी वाले की, जय पर जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत मांगने के बाद यहाँ पूरा करते हैं, और हर चीज़ की मन्नत पूरी होती है हर मंदिर में। सिर्फ बंदा सच्चे मन से मांगने वाला चाहिए, हर किसी को भगवान मिलता है।
बाहर निकल चुके हैं 2 मिनट के लिए बैठते हैं और ये मंदिर के बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि हम अभी मंदिर उस तरफ से हमने प्रवेश किया था और इस तरफ से हम बाहर निकल रहे हैं, और आपको दिखा दें कि बस जाते समय थोड़ा बैठना ज़रूरी है। तो बाकी सावरिया जी खैर करें, भगवान तरक्की दें हम सबको। तो जो भी मन्नत मांगने के लिए या जो भी इच्छा ले किया है तो उनकी हर इच्छा पूरी करें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में बाज़ार के अंदर आपको कृष्ण कन्हैया जी की मूर्ति और लेडीज़ के लिए चूड़ी और कृपान राजू महाराजों वाली फीलिंग दिलाने के लिए आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। तो देख सकते हो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ये घरों के अंदर टांगने के लिए, और ये कृष्ण नंदूलाल जी की मूर्ति है।